आप देख रहे हैं एलएन न्यूज। वक्त संपत्ति मुसलमानाची नाही कोणाचे बापाची। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स प्रदेश महासचिव। मेरे साथ में है हमारे औरंगाबाद शहर के मशहूर सोशल वर्कर सैयद मुबीनुद्दीन। आज के इस प्रेस नोट के ज़रिए से आपको एक मामले से हम रोशनास कराते हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के सामने जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद पर औरंगाबाद महानगर पालिका ने कुल 29,89,624 रुपये का टैक्स लगाया है, जबकि ये मस्जिद की तथाकथित व्यवस्थापन समिति इस मस्जिद के अहाते में 34 दुकानों से लाखों रुपए का किराया वसूल रही है, लेकिन इस टैक्स भरने से पल्ला झाड़ रही है। मामला यह है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के सामने ऊंचे मीनार की ऐतिहासिक प्राचीन मस्जिद है, जिसका महाराष्ट्र राजपत्र 1973 में अनुक्रमांक 62, पान क्रमांक 24 और 25 पर स्पष्ट उल्लेख है। यह मस्जिद महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्टर्ड नंबर MSBW/ABD/403/212 है, जिसका जूना सर्वे नंबर 26 है और CTS क्रमांक 1901, 1908, 1908/2, 1908/3, 1908/4, 1908/5, 1908/6, 1908/7, 1908/8, 1908/9, 1908/9, 1908/91, 1908/4 है। इस जगह पर बनी कुल 34 दुकानों से लाखों का किराया वसूलती है ये तथाकथित मस्जिद व्यवस्थापन समिति, और जो कॉरपोरेशन का टैक्स है जो मस्जिद पे लगा है, इसका टैक्स अदा करने से पल्ला झाड़ रही है, जिसके कारण मस्जिद के वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस मामले को लेकर वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स ने 28/11/2023 को तकरारी अर्ज और 11/12/2023 को रिमाइंडर द्वारा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड से मांगनी की है कि इस मस्जिद को और इस मस्जिद की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अपने कंट्रोल में ले ले, और यह तथाकथित व्यवस्थापन समिति के सभी अधिकारियों के खिलाफ वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52 और 52A के तहत आपराधिक मामला दर्ज करे। मस्जिद की जगह पर स्थित कुल 34 दुकानदारों से 29,89,624 रुपये का बकाया टैक्स कॉरपोरेशन इन 34 दुकानदारों से वसूल करे, और शहर में अमन व अमान शांतता बरकरार रहे, इसके लिए हमने पुलिस कमिश्नर साहब को भी इसकी एक कॉपी दी है। धन्यवाद।